हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 12 इज वर्ब्स। ओके, सो चिल्ड्रन आपको पता है वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? यस, एक सेंटेंस में वर्ब हम यूज़ करते हैं। वर्ब होते हैं बच्चों एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। ओके, क्या कहते हैं इन्हें? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। वर्ब से हमें ये पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये हमें किससे पता चलता है? वर्ब से। तो चलिए आगे देखते हैं। यस, नाउ रीड द डेफिनेशन। वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डस। सो वर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक पर्सन, एनिमल या कोई चीज़ क्या करती है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। बच्चों अगर हमें ये पता करना है तो हमें वहाँ पर वर्ब को देखना होगा। ओके, सो व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर, जब वो सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और जब नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ, मोहन इज रनिंग वेरी फास्ट। मोहन बहुत तेज दौड़ रहा है। अब सेंटेंस में क्या, कैसे पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? मोहन, जब हम ये देख रहे हैं इज रनिंग, तो ये इज रनिंग क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग मेन वर्ब है। तो हमें वर्ब से ही पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, राइट? इसी तरह द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स जो हैं वो स्काई में उड़ रही हैं। अब हमें कैसे पता चल रहा है? जब हम देख रहे हैं आर फ्लाइंग को, कि बर्ड्स क्या कर रही हैं स्काई में। ओके, द कैट्स आर फाइटिंग। कैट्स लड़ रही हैं, राइट? कैसे पता चल रहा है आपको कि कैट्स क्या कर रही हैं? इससे, आर फाइटिंग से, राइट? ही इज स्टडीइंग, वह पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है क्या है यहाँ पर? वर्ब है। बिकॉज बच्चों वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, राइट? सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब चाहे वो सब्जेक्ट कोई बर्ड हो, कैट हो या कोई पर्सन हो, राइट? सो वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, कुछ करना मतलब वर्ब। ओके, सो वी गो अहेड नाउ। सो चिल्ड्रेन, ए एक्सरसाइज इज सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें वर्ब को फॉलोइंग सेंटेंस में सर्कल करना है। सो द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। सो बॉयज क्या कर रहे हैं ग्राउंड में? खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं क्या है बच्चों? हमारा वर्ब है। सो आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। सो हम इसे सर्कल कर देंगे। रमन ईट्स पैनकेक्स, खाता है। रमन क्या करता है? खाता है। काम, डूइंग वर्ड्स। ओके, शी इज स्टडीइंग मैथ्स, मैथ्स पढ़ रही है, राइट? मिसेस शर्मा इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, राइट? मीना इज ब्लोइंग अ बैलून। राहुल इज ड्राइविंग अ कार। सो ये सब क्या है बच्चों? ये हैं वर्ब्स। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। नाउ बी एक्सरसाइज देखते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब्स। सो वर्ब्स को यूज करके हमें इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चा? स्विमिंग कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द बॉय इज स्विमिंग। सो ये जो इज स्विमिंग है ये क्या है बच्चों? ये है हमारी वर्ब, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये पिक्चर देखिए आप, क्या कर रहा है यहां पर? ये पेंटिंग कर रहा है, राइट? सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ही इज कलरिंग
कलरिंग विथ पेंट्स, ओके, या फिर ही इज पेंटिंग. तो यहां पर ये जो इज कलरिंग है ये क्या है बच्चों, ये है हमारी वर्ब. ओके, नाउ मंकी, मंकी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, राइट. सो द मंकी इज जंपिंग. ओके, सो ये इज जंपिंग क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब, राइट. सो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं. ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लोथ, कपड़ा स्टिच हो रहा है. और कौन करता है हमारे कपड़ों को स्टिच, टेलर. ओके, सो द टेलर इज स्टिचिंग क्लोथ्स. ओके, सो द टेलर इज स्टिचिंग क्लोथ्स. ओके, सो ये इज स्टिचिंग क्या है बच्चों, यहां पर वर्ब, राइट. सो आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि वर्ब क्या होते हैं. ओके, सो वी गो अहेड नाउ. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन. आपको ये जो बॉक्स में लिखा है इसे लर्न करना है. ओके, वर्ब्स शो एक्शन. वर्ब क्या दिखाती है, एक्शन, कि क्या काम हो रहा है, राइट. सो दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. ओके, सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाउ द सी एक्सरसाइज इज सर्कल द एक्शन वर्ब्स दैट बेस्ट फिट्स इन ईच सेंटेंस, जो इन सेंटेंस में बेस्ट फिट होता हो. लाइक ही डैश ब्रेकफास्ट. अब क्या, ही क्लीन्स ब्रेकफास्ट, ही ऑर्डर्स ब्रेकफास्ट और ही कॉल्स ब्रेकफास्ट. यस, ही ऑर्डर्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करता है. अ कस्टमर डैश एट द मेन्यू. कस्टमर मेन्यू पर क्या करता है, लुक्स, डिसाइड्स, ईट्स. लुक्स, लुक्स एट द मेन्यू. पहले वो मेन्यू में देखेगा तभी तो ऑर्डर करेगा ना. सो अ कस्टमर लुक्स एट द मेन्यू, राइट. सो द शेफ डैश द एग्स. अब शेफ एग के साथ क्या करता है, लेज द एग्स, कुक्स द एग्स, सिंग्स द एग. यस, वो कुक करता है. सो दिस इज राइट एक्शन वर्ड. ओके, शी डैश द ब्रेड. क्या, क्रिएट्स द ब्रेड, चॉप्स द ब्रेड और टेस्ट द ब्रेड. ब्रेड को चॉप तो नहीं करते, राइट, और टेस्ट करते हैं. शी टेस्ट द ब्रेड. द वेटर डैश द फूड टू द टेबल. वेटर खाने को टेबल पर मेक्स, टेक्स या ब्रिंग्स. ब्रिंग्स, लाता है, राइट. सो द वेटर ब्रिंग्स द फूड टू द टेबल. ही डैश द फूड. ही ईट्स द फूड, क्लीन्स द फूड, लुक्स द फूड. क्या होगा बच्चों, ही ईट्स द फूड. द वेटर डैश द टेबल. वॉट, द वेटर वेक्स द टेबल, द वेटर क्लीन्स द टेबल, द वेटर बिल्ड्स द टेबल. तो क्या काम होता है बच्चों वेटर का, क्लीन करना टेबल को. सो द वेटर क्लीन्स द टेबल. ओके, सो आप भी एक्सरसाइज अपनी बुक में करेंगे मेरे साथ साथ. सो लेट सी द डी एक्सरसाइज. जॉइन द वर्ब टू द करेक्ट नाउन इन ईच सेट. सो बच्चों यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ब्स दी हुई हैं और ये सब हैं आपके नाउन. सो एक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल नाउन, करेक्ट नाउन से उसे मैच करना है. सो ट्रेस, हम ट्रेस किसे करते हैं बच्चों, बुक को, पैटर्न को या टॉय को. यस, हम ट्रेस करते हैं पैटर्न को. सो हम ट्रेस को किससे मैच कर देंगे, पैटर्न से मैच करेंगे, राइट. चलिए, पील. अब पील का मतलब होता है बच्चों छीलना. ओके, सो पोटैटो को छीलते हैं, कंप्यूटर को या टेबल को. यस, हम टेबल और कंप्यूटर को तो नहीं छीलते ना, हम छीलते हैं पोटैटो को. ब्रश, अब हम ब्रश किसे करते हैं, हेयर, रेन या बिस्किट. वेरी इजी, वी ब्रश आर हेयर. ओके, नाउ कैरी. अब हम कैरी का मतलब ले जाना. हम क्या कैरी करते हैं, क्या लेते हैं, सॉन्ग, वैकेशन या फ्लावर्स. वी कैरी द फ्लावर्स. ओके, सो हम यहाँ पर कैरी को किससे मैच कर देंगे, फ्लावर्स से मैच कर देंगे. अर्न, क्या चीज़ हमें अर्न करनी चाहिए, मतलब कमाना चाहिए
बेटल मनी या स्पाइडर. यस, हम क्या कमाते हैं? मनी. सो मनी से हम इसको ज्वाइन कर देंगे. इनवाइट, इनवाइट किसे करते हैं? जिम को, स्वीट्स को या फिर फ्रेंड्स को. यस, वी इनवाइट आर फ्रेंड्स. राइट, यस. डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स? ओके. हियर, हियर मतलब सुनना. सो क्या चीज सुनते हैं? न्यूज़पेपर, साउंड्स या फूड. यस, वी हियर साउंड्स. ओके, सो यहां पर हमने क्या किया बच्चों? वर्ब को करेक्ट नाउन के साथ अटैच कर दिया. राइट, सो इस तरह से हम एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स को उनके नाउन के साथ सही जगह पर प्लेस करते हैं. और हमें वर्ब से पता चलता है बच्चों कि जो ये नाउन या प्रोनाउन है वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स. सो आई होप दैट वर्ब्स आर क्लियर टू यू नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.